हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस. नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन हाउ टू राइट अनसीन पैसेजेस. दैट मींस, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम में अनसीन पैसेजेस आता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा है पहले, तो उसमें से आप क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे ढूंढोगे. दिस इज़ अ IBL, दैट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. बिकॉज टिल नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोगों ने टेक्स्ट बुक से सारे क्वेश्चंस दिए हैं, राइट? वी हैव डन द स्टोरीज फ्रॉम टेक्स्ट बुक. सो इन टेक्स्ट बुक यू नो दैट what is written and how to answer it. But when you get an unseen passage, that means आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, आपको एग्जाम में ही वो क्वेश्चंस, वो पैसेज आएगा और यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज. सो दिस इज अ पैसेज ऑन मैजिक दैट इज रिलेटेड टू योर लेसन नंबर 3, है ना, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ मैजिक. सो वट वी आर डूइंग इज here this is a story on magic, which is the name is the magic pot. That means a pot jisme magic tha, right? Now first of all, the first rule of unseen passage is that as soon as you get the passage, aapko wahan pe title se hi samajh jana chahiye. Agar wahan pe title hai, so you should know from the title itself ki ye passage किससे रिलेटेड है. दैट मीन्स इट इज़ अ पैसेज अबाउट अ पॉट विच हैज़ मैजिकल पावर्स, राइट? फर्स्ट. नाउ सेकेंडली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज कि कितने क्वेश्चंस हैं आपको. सी हियर, आई हैव गिवन यू 4 क्वेश्चंस, राइट? देर आर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज. Now what you have to do is you have to answer the questions from the passage, that is the story is given. Now what you have to do is, thirdly, you have seen how many questions are there. Now just a simple look, aise dekh lo ki questions kya hai. Who was Gopi, right? Question number 1. Number 2 is what did Gopi find while digging the field. Matlab इस चैप्टर में कुछ तो ऐसा होने वाला है जहाँ पे गोपी हैज डिगिंग द फील्ड. दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि व्हेन व्हाइल स्टडिंग द स्टोरी, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पे गोपी फील्ड को खोद रहा है, ही इज डिगिंग द फील्ड, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम देयर इटसेल्फ. फाइन. नाउ How many spades were there in the pot? जब ये वाला पार्ट आएगा स्टोरी में जहाँ पे स्पेड्स के बारे में लिखा होगा, दैट मीन्स इसका आंसर उसी जगह पे है स्टोरी में, उसी पैराग्राफ में. नाउ द लास्ट वन, वॉट डिड द किंग डू वेन ही केम टू नो अबाउट द मैजिक पॉट. ये वाला, जब किंग को पता चला मैजिक पॉट के बारे में तो उसने क्या किया. दैट मीन्स किंग कुछ तो करने वाला है जब उसको मैजिक पॉट के बारे में पता चलता है, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. हियर द स्टोरी इज, वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर गोपी लिव्ड इन अ विलेज. दैट मीन्स देयर वॉज अ फार्मर whose name was Gopi. Now see, question number 1 का answer मिल गया ना, who was Gopi? Question number 1 is who was Gopi, right? So as soon as we start reading the passage, we get the answer. See, once upon a time a farmer Gopi lived in a village. Fine, that means Gopi was a farmer. Who was Gopi? Gopi was a farmer. राइट? सी, सो सिंपल, मिल गया आपको आंसर पैसेज में से. नाउ सेकंड,
ही हैड फ्यू एकर्स ऑफ लैंड वन हॉट ही हैड फ्यू एकर्स ऑफ लैंड उसके पास लैंड के कुछ एकर्स थे. वन हॉट आफ्टरनून द पुअर फार्मर वॉज डिगिंग हिज फील्ड. सी आ गया ना फील्ड डिगिंग. क्वेश्चन नंबर टू याद आया. वाई वॉज गोपी वॉट डिड लुक वॉट डिड गोपी फाइंड वाइल डिगिंग द फील्ड. सी क्वेश्चन नंबर टू आ गया. अब यहाँ पे है ना डिगिंग. वॉट वन हॉट फार्मर द पुअर फार्मर वॉज डिगिंग हिज फील्ड राइट. डिगिंग आ गया ना. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर टू का आंसर आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ से ही मिलेगा. वॉट डिड यू फाइंड. ऑल ऑफ अ सडन हिज स्पेड हिट समथिंग. उसके स्पेड ने किसी चीज के ऊपर टकराया. देन ही कंटिन्यूड हिज डिगिंग. इट इज अ बिग मेटल पॉट सेड गोपी. इट वॉज बिग इनफ टू बॉइल राइस फॉर मोर देन 100 पीपल. अब उसको अंदर से डिग करते करते क्या मिला. ही गॉट अ बिग मेटल पॉट. वॉट डिड गोपी फाइंड वाइल डिगिंग द फील्ड. ही फाउंड अ बिग मेटल पॉट. सो दिस इज योर आंसर नंबर टू. और वो इतना बड़ा था कि उसमें 100 लोगों के खाने के लिए चावल बन सकता था. इट डज नॉट सीम टू बी ऑफ एनी यूज टू मी. आई विल डिग डीपर. मे बी आई विल फाइंड समथिंग एल्स थॉट गोपी. एंड ही कंटिन्यूड टू डिग. गोपी ने सोचा ये मेरे किसी काम का नहीं है. आई डोंट नीड इट. ये मेरे किसी काम का नहीं है. मुझे और खोदना चाहिए. आफ्टर ही हैड डग फॉर अ लॉन्ग टाइम गोपी फेल्ट टायर्ड. इट इज़ ऑफ नो यूज. देयर इज नथिंग इन दिस फील्ड ही थॉट. खोदते 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 वो थक गया. उसने बोला कोई फायदा नहीं है. यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला. देन एडवांस ही थ्रू द स्पेड इन टू द पॉट इन फ्रस्ट्रेशन एंड सैट अंडर अ ट्री टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल. वॉट डिड ही डू. ही आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन थक गया. चिड़चिड़ाहट हो गया. गुस्सा हो गया. झुंझलाहट में क्या किया. वो जिस स्पेड से जमीन को खोद रहा था उसने उस स्पेड को स्पेड मतलब कुल्हाड़ी उस कुल्हाड़ी को कोदाल को उसने उस पॉट में फेंक दिया और एक ट्री के नीचे बैठ गया रेस्ट करने के लिए. आफ्टर अ वाइल व्हेन ही गॉट अप टू लीव ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज. जब थोड़ी देर बाद वो उठा तो उसको अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ. देयर वेर 100 स्पेड्स इन द पॉट. क्या हुआ. वो एक स्पेड जो है 100 स्पेड बन चुका था. दैट मीन्स वो पॉट जो था वो मैजिकल था. वो एक चीज़ को 100 बना सकता था. अगर आप उसमें एक पेंसिल डालो तो 100 पेंसिल बन जाएगी ऐसा. दिस इज अ मैजिकल पॉट. आई विल पुट दिस मैंगो इन साइड द पॉट एंड सी वॉट हैपन्स. गोपी को समझ में आ गया ये मैजिकल पॉट है. अब इसमें एक मैंगो डाल के देखता हूँ उसका क्या होता है. गोपी ने ऐसा सोचा. देन गोपी पुट अ मैंगो इन टू द पॉट. टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड 100 मैंगोज इन द पॉट. गोपी कैरिड द पॉट टू हिज होम एंड केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस सो दैट no one would become aware of it. उसको बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने एक मैंगो डाला था बट वो 100 मैंगो बन गया. तो गोपी ने क्या किया उस पॉट को उठा लिया और वो अपने घर चला गया. एंड ही hid it in his house. उसने अपने घर में जाके छिपा दिया ताकि उसके बारे में किसी को भी पता ना चले. आफ्टर दैट ही पुट मैनी थिंग्स इन दैट एंड एवरीथिंग बिकम 100 फोल्स विथ दैट. उसके बाद क्या हुआ. उसके बाद उसको जो भी चीज़ मिलता था उसको ज़्यादा की ज़रूरत होती थी वो उसको एक उसमें डालता था और उसमें से 100 बाहर निकलता था राइट. विथ दैट पॉट ही बिकेम अ रिच मैन. फिर वो उस पॉट के सहारे से बहुत अमीर आदमी बन गया. द किंग केम टू नो ऑफ द पॉट. सी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल गया आपको. हाउ मेनी स्पेड्स वेयर देयर इन द पॉट. एक स्पेड डाला था तो उसके 100 स्पेड्स बन गए थे. इजंट इट. सो नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 4. रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही केम टू नो अबाउट द मैजिक पॉट. अब इसका आंसर हम लोगों को यहां से मिलेगा. द किंग केम टू नो ऑफ द पॉट and his whereabouts. The king was curious to know about it and he was a greedy king. I want to find out the secret of the magical pot. If it is valuable, it should be in the king's treasury. The king thought. Then at once
द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग द फार्मर एंड हिज पॉट. सो व्हाट डिड द किंग डू? द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग द फार्मर एंड हिज पॉट. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल गया ना. किंग ने क्या किया? किंग जो था बहुत लालची था. जैसे ही उसको उस पॉट के बारे में पता चला, उसने बोला कि चलो देखते हैं कि आखिर है क्या है इस मैजिकल पॉट में. उस फार्मर और उसके पॉट को उठा के यहाँ ले आओ. When the magic pot was brought to the king's chamber, he did not know what to do. जब किंग के पास वो मैजिक पॉट आया, उसको पता नहीं था उसको क्या करना है. द किंग थॉट, लेट मी सी वॉट इज देयर इन साइड दिस पॉट विच मेक्स दिस सो मैजिकल. ही पियर्ड इन साइड. इनएडवर्टेंटली ही स्लिप्ड एंड फेल इन साइड द पॉट. उसको समझ में नहीं आया और क्यूरियोसिटी में क्या किया, उसने उसके अंदर झांक के देखा और वो किंग जो है उस पॉट में गिर गया गलती से. When he climbed out of the magic pot, he was shocked to find that there were 100 kings. क्योंकि वो magical pot था, उसमें एक डालो तो वो 100 बन जाता था. अब उसके अंदर एक king गिरा तो बाहर 100 kings थे. All the kings then started to climb the throne. They fought among themselves and died. फिर क्या हुआ? सारे kings आपस में झगड़ने लगे राजगद्दी के लिए और आपस में लड़के मर गए. The magic pot lay in king's treasury. और वो मैजिक पॉट जो है किंग के खजाने में ही रह गया. द फुलिश किंग टुक अवे द मैजिक पॉट फ्रॉम मी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इवेंचुअली ही डाइड. दिस मैजिक पॉट हैज किल्ड द किंग हिमसेल्फ सेड द फार्मर एंड ही टू बी सेफ लेट द मैजिक पॉट एट द ट्रेजरी ऑफ द किंग इटसेल्फ. दैट मीन्स फार्मर ने सोचा कि कितना बेवकूफ राजा था, मुझसे मैजिक पॉट लिया और क्यूरियोसिटी में 100 किंग्स बन गए और आपस में लड़के मर गए. ये मैजिक पॉट तो बहुत डेंजरस है जिसने खुद किंग को मार दिया. सो इस मैजिक पॉट को इस ट्रेजरी में ही छोड़ देते हैं और वो फार्मर वहाँ से चल गया. राइट. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज किसी भी चीज़ को जाने बिना उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो खतरनाक हो सकता है ना. राइट. वी शुड ऑलवेज know how to use a thing, then only we should use it, otherwise it can be dangerous for us. Now see, it is so simple. I have taught you to find the answers from the passage. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पैसेज का टाइटल देखना है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज किस चीज़ के बारे में है. देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस ऑफ द पैसेज. उस पैसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको पढ़ना है. एंड जैसे जैसे आपको उसका आंसर मिलता जाए पैसेज में, आपको वो आंसर्स लिखते जाने हैं सो दैट यू डोंट लॉस द आंसर. ओके. या तो आप लिख लो या उसको अंडरलाइन करके उसको क्वेश्चन नंबर डाल दो. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है तो आंसर नंबर 1 ऐसे करके आप लिख दोगे तो आप उसको भूलोगे नहीं और क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से आंसर्स आराम से मिल जाएंगे. I hope that you have understood this, right? So, let's finish the chapter class over here.